आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तरी पश्चिमी जिले के सभी थानों में बच्चों के लिए बनाया गया है खेल का कमरा, जिसका उद्घाटन ज्वाइंट सीपी एसएस यादव द्वारा किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस भी कहा जाता है, इसी को सिद्ध करते हुए आज उत्तरी पश्चिमी जिले के सभी 11 थानों में छोटे बच्चों के लिए एक ऐसे रूम का उद्घाटन किया गया जिसमें वो बच्चे खेल सकें और पढ़ाई भी कर सकें। इस दौरान डीसीपी उषा रंगनानी भी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि अपनी माता पिता के साथ बच्चे पुलिस थाने में आते हैं जिनका कोई ठीक से ध्यान नहीं रख पाता। इसके लिए सभी थानों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य वातावरण और उसको देखते हुए एक ऐसे रूम का उद्घाटन किया गया जिसमें वो खेल सके, वो पढ़ सके और उसमें उनके खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। डीसीपी उषा रंगदानी का आगे कहना है कि बचपन बहुत ही नाजुक होता है, ऐसे में शुरू से ही जो बच्चों पर छाप पड़ेगी वो आगे तक जाती है। वह पुलिस का फोर्स वाला रूप ना देखें, सर्विस वाला रूप देखें, यहाँ पर आकर खेल कूद मजा करें। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। करेगा फिर वो क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर समस्या को कैसे डील किया जाएगा, ये सारे प्रोसीजर, ये सारे प्रोसेस इन्होंने अच्छे से डॉक्यूमेंट किए हैं और उनको अच्छे से लागू किया है। इसको आईएसओ वाले जो है स्टडी करके गए, एग्जामिन करके गए और इनको आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट मिला है इनके दफ्तर को। पूरे भारतवर्ष में शायद ये पहला और अकेला एमएलए ऑफिस है जिसको आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं दिलीप पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम भी देखेंगे। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो जनता का सर्टिफिकेट है, आईएसओ से भी बड़ा सर्टिफिकेट। तो अगर जनता इससे बहुत खुश होती है और ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसको पूरी दिल्ली में बाकी राज्यों के साथ लागू करेंगे। सर, दिल्ली में कब तक स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में स्कूल जो है वो खुल गए? एक बार हम देखना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था आइडियल सिचुएशन तो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद ही हो। बाकी राज्यों के अंदर अगर स्कूल खुल रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे तो थोड़े दिन देखते हैं हम, क्योंकि पेरेंट्स के जो दिल्ली में पेरेंट्स हैं उनके अभी भी मेरे पास मैसेजेस यही आ रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं। वैक्सीन की सप्लाई अभी कम हो रही है, 31 तारीख के लिए कहा गया है, कोविशील्ड से क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। वैक्सीन केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। सर, कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए थे कई, उसको लेकर भी केंद्र ने रिपोर्ट जो दी उसमें कहा है कि सिर्फ दिल्ली में एक बच्चे की इस तरह का अनाथ हुआ है। क्या दिल्ली में सिर्फ एक बच्चा अनाथ हुआ है? राज्यसभा में रिपोर्ट भी उसमें दिल्ली में सिर्फ एक हुआ है। दिल्ली में अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली में जैसे जो हम लोगों ने स्कीम लागू की थी, उस स्कीम के तहत जितनी भी मौतें हुई हैं उन सारे लोगों के घर हमारे लोग जा रहे हैं और उनसे वो फॉर्म भरवा रहे हैं। तो जैसे ही कंपाइल होता है मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ। सर, आज से ओलंपिक की भी शुरुआत हो रही है खिलाड़ियों को लेकर। अभी ओलंपिक के हमारे भारत देश के जो खिलाड़ी हैं जो गए हैं, पूरे देश की तरफ से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा देश के लिए वो अवार्ड जीत के लाएं। सर, दिल्ली के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।